नमस्ते, आज मैं आप लोगों के लिए मिल्क बॉल की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। मिल्क बॉल में पड़ने वाले सामान देख लेते हैं। दूध, कॉर्नफ्लोर और यह है हमारा पाउडर शुगर। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले इस चम्मच से 6 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। टेस्ट के अनुसार बड़ा घटा भी सकते हैं। 3 चम्मच चीनी ले लेते हैं। ये हमारा ये दूध है 200 ml। तो चलिए हम इसको इसी से पेस्ट बनाते हैं। इसमें हम रूम टेम्परेचर का दूध है, इसे हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिलाएंगे। हम स्मूथ घोल बना लेंगे, इसमें किसी प्रकार का गांठ नहीं रहना चाहिए। देखिए इस तरीके का हमको घोल बना लेना है। चलिए इसे हम किसी पैन में इसको छान लेते हैं। इसे पका लेते हैं। चलिए फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब इसे हमको मध्यम आंच में ही पकाना होगा। तेज आंच में करने से कहीं ये गुठली पड़ जाएगी, कहीं मोटा और कहीं पतला हो जाएगा, अच्छी पकने लगेगा, इसलिए इसे हम मध्यम आंच से ही पकाएंगे। ये घोल गाढ़ा होना चालू हो गया है। आपको एकदम इसी तरीके से इसको चलाते रहना है मध्यम आंच से, वरना ये नीचे से चिपक जाएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल दे रहे हैं। आपके पास जो भी हो एसेंस, कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर का ना हो तो आप इलायची पाउडर ही डाल सकते हैं। चलिए हम लोई बना लेते हैं छोटी छोटी। साइज आप अपने अनुसार ही बनाइए, बड़ा बनाना हो बड़ी लोई काट लीजिए, छोटी बनाना तो छोटी लोई। देखिए इस तरीके से मिल्क बॉल देखिए मेरा तैयार हो गया है बनके। चलिए बाकी की भी और सब बना ले।
साथ चॉकलेट सिरप से भी सजा देते हैं। चॉकलेट सिरप से गार्निश कर दिए हैं, अब ये हमारा खाने के लिए रेडी है।